वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है, अब उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूँ। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूज़र है, यानी कोई चीज़ के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रस्तान है, अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहाँ पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है, लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में, उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूज़र है। जब वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया, ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज़ होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है, आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते मैं प्रैक्टिसिंग हूँ नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ मुसलमान हूँ, मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी? या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ? हाँ, तीसरा आप उसमें देख लो, तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का, क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता है क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है भाई। आप में मेरा झगड़ा होगा तो आप जज कैसे बनेंगे? तो कलेक्टर को इख्तियार दे रहे हैं कि कलेक्टर तय करेगा। अच्छा, फिर सर्वे कमिश्नर होता है जो सर्वे करता है प्रॉपर्टीज को, ये बोल दिया कि नहीं सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, कलेक्टर करेगा। सर्वे कमिश्नर एक अलग होता है डिपार्टमेंट, उसको ख़त्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई आप उसको? फिर आप ये कह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वहाँ पर सिर्फ एक नॉन मुस्लिम मेंबर होता है, मिनिस्टर होता है, बाकी के पूरे जितने कैटेगरीज हैं उसमें मुसलमान होता है। आप उसको ख़त्म करके मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें से कम 8 या 9 नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है मुतवल्ली कैटेगरी का, MLA MP कैटेगरी का और बार काउंसिल का, आप नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, नॉमिनेट क्यों करना चाह रहे हैं? अगर आप वक्फ बोर्ड का एक्ट देखेंगे तो वक्फ बोर्ड में आपकी प्रॉपर्टी वक्फ है, मैं उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में 5 साल के लिए ले सकता हूँ। जब मैं अपने लोगों को नॉमिनेट कर दूंगा उसमें तो मैं डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लूँगा, इनकी नीयत खराब है उसमें। फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता हिंदू वक्फ? हिंदू वक्फ कर सकता है, वो मुतवल्ली भी बन सकता है, मगर आप हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, उसको ख़त्म कर रहे हैं और हिंदू को मेंबर बनाना चाह रहे हैं आप। सेंट्रल वक्फ काउंसिल लेके देर शेल बी टू, देर शेल बी, शेल का मतलब मैंडेटरी अंग्रेजी में,
दो मेंबर रहेंगे मिनिमम। फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी की कि हम महिलाओं को बना रहे हैं, वो पढ़ते नहीं है। ऑलरेडी महिला का प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है? अब ये बोल रहे हैं कि दो बनाएंगे, अभी जो प्रोविजन है एटलीस्ट टू, यानी दो से बढ़ सकते, आप दो कर दिए खाली उसको। वफ का एक ट्रिब्यूनल है, अब ट्रिब्यूनल में झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये इसका डिसीजन फाइनल होता है। भाई एनजीटी ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे 14 ट्राइब्यूनल है जिनका डिसीजन फाइनल होता है, अपील नहीं कर सकते। भाई ट्राइब्यूनल के जजमेंट के बाद हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला जाता है, अपील करने से तो लाखों केस कोर्ट में है, और रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड मंगा सकता है, तो ये वक्फ के फेवर में नहीं है। फिर इसमें आपने एक कानून लेकर आए, अभी कानून क्या है कि अगर कोई वफ की जायदाद को चोरी से बेचता है उसको 2 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, नॉन बेलेबल। अभी मोदी जी के दिमाग में ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि तू वक्फ बोर्ड की जायदाद को बेच दे, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है कि तेरे को 2 साल नहीं सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तेरे को बेलेबल हो जाएगा। तो वफ के मफाद में क्या हो रहा है, ट्राइब्यूनल है वफ का ट्राइब्यूनल, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज सीजीआई अपॉइंट करते हाई कोर्ट के, एक इस्लामिक नॉलेज का जानकार और एक एमिनेंट पर्सन। अब आप क्या करते, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैसे होगा? फिर अगर आपकी कोई वफ की प्रॉपर्टी है, मैं जाके कंप्लेन करता हूं कि ये वफ नहीं है, तो कलेक्टर विल ऑर्डर एन इंक्वायरी। अच्छा, पेंडिंग इंक्वायरी योर प्रॉपर्टी विल नॉट बी वफ, की एक्ट में बोल रहे, बिल में बोल रहे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट इंक्वायरी, एंड द करेक्ट कलेक्टर विल डू द इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट। इसका क्या मतलब, यानी आपके प्रॉपर्टी को मैं कंप्लेन कर दिया कि वफ नहीं है, तो कलेक्टर साहब 10 साल ले लेंगे, तब भी वफ नहीं रहेगा, वो अपने कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे, इस बिल में वक्फ प्रॉपर्टीज के एफिशिएंसी के लिए नहीं बनाया गया है, ये वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए बनाया गया है।